इसी को टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने जो एक्सोस्केलेटन की बहुत डिटेल में जो चीज पढ़ी है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है प्रोडक्शन के लिहाज से। अब हम इसको एक्सोस्केलेटन के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लोकोमोटरी फंक्शन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कई जगहों पर जो है एक्सोस्केलेटन या जो क्यूटिकल है वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। वो कहाँ पर होती है? वो जॉइंट्स पर होती है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको इधर एक एग्जाम्पल दिखाई हुई कि ये एक लिम है, ठीक है। उसके ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। और बीच में ये ज्वाइंट है, जैसे हमारा ये लिम है, ठीक है। तो हमारा ये ज्वाइंट है, ठीक है। ये एक पार्ट है और एक ये बोन है, ठीक है। इनकी बोन नहीं होती लेकिन लिम्स होती है, ठीक है। तो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और ये बीच में ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये एक मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई कि या तो ये यहाँ पे मूव करेगा और यहाँ पे मूव करेगा, तो इसकी वजह से ये पार्ट जो है इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी। इसको हम एट्रिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। एट्रिकुलेशन क्या होती है कि ज्वाइंट से जो है दो डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो, ठीक है। ये जैसे ये क्या हो रही है, ये एट्रिकुलेशन हो रही है, ठीक है। एक ये साइड फिर एक ये, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, ये इस ज्वाइंट के गिर्द जो मूवमेंट हो रही है इसको हम एट्रिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके ज्वाइंट्स जो है वो एट्रिकुलेशन कर सकते हैं। कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल होगी, तो यहाँ पे थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल है और यहीं पर इस जगह पे टू पेयर्स ऑफ मसल्स भी अटैच होते हैं, ठीक है। एक इस साइड पर होगा और एक इस साइड, ठीक है। जैसे कि हमारी बोन है, ये लिम है, एक इधर मसल है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर एक मसल है, एक इधर है, और जब अगर दोनों मसल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जब हम इस तरह करते हैं तो ये मसल रिलैक्स होता है और ये जो है ना ये कंप्रेस हो रहा है। और जब मैंने यूं सीधी करनी है तो ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और ये रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। इसी तरह आर्थ्रोपोड्स में भी जो है मसल जो अटैच है जहाँ पे थिन क्यूटिकल है वो किस तरह है, एंटागोनिस्टिक, टू पेयर ऑफ मसल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना सिस्टम ऑफ लीवर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी कि आपके फिनिक्स में जो ये फिनिक्स वाला लीवर है, यानी कि जब हम एक चीज़ को उठाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस जब हम जब एक दरवाजे का हैंडल खोलते हैं तो वो भी लीवर है, तो हम फोर्स अप्लाई करें, तो इसी तरह यहाँ पे भी जब फोर्स अप्लाई होती है इन मसल्स के थ्रू, लीवर के तौर पे ये एक्ट करता है, लीवर के तौर पर टू पेयर ऑफ मसल जो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, तब मूवमेंट क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये सब के अंदर है, चाहे जो जॉइंट्स मतलब ऐसे हैं जो कि सिर्फ लैंड पे चढ़ने वाले हैं या ऐसे हैं जो कि उड़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं उनके विंग जॉइंट में एक तो मसल्स मौजूद हैं, ठीक है, एंटागोनिस्टिक मसल्स तो मौजूद रहेंगे, लेकिन विंग जॉइंट में एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन भी मौजूद होती है जो इलास्टिक प्रोटीन है, और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, विंग जॉइंट्स में। उसको हम एनिमल रबर या रेजिलिन कहते हैं। इसको एनिमल रबर या रेजिलिन इसने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल उससे मिलता है जो रेजिन प्लांट्स में से निकलती है, और उसमें से हमने ओरिजिनल रबर बनाया। ये अब तो रबर जो हम यूज़ करते हैं ये सिंथेटिक होता है, लेकिन एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम इंसानों ने उसको देखा तो रेजिन जो प्लांट्स में से एक मटेरियल निकलता है उससे रबर बनाया, इसीलिए इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर उस रेजिन से मिलता है, इसलिए उसको एनिमल रबर या रेजिलिन कहते हैं, इलास्टिक प्रोटीन को। अब इसका क्या काम होता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जब कंप्रेशन होती है, दबाव पड़ता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो है इस प्रोटीन के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है। और जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तब वो एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी किस में इस्तेमाल हो जाती है, मूवमेंट में, विंग्स की मूवमेंट में, ठीक है। तो बोले थे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि जॉइंटेड फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन और फ्लाइट जो उसको कर देती हैं, फ्लाइट को परमिट कर देती हैं, ये सब चीज़ें, और जो पहले हमने पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन जो है प्रोटेक्शन करता है डेसिकेशन से, ये सारे पॉइंट्स अगर मिल जाएं तो ये जो है इसको बताती हैं कि कैसे, क्या रीज़न से, कि क्या वजह थी कि आर्थ्रोपोड जो हैं वो सक्सेसफुल क्रिएचर है लैंड एनवायरनमेंट की। क्या चीज़ें, एक तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसके फंक्शंस,
और जो ये यहाँ पे हम पढ़े कि जो है ना ज्वाइंट की वजह से, जो ज्वाइंट की और फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस, और फ्लाइंग भी कर सकते हैं इंसेक्ट, ये सब चीजें जो है इसको बताती हैं कि व्हाई या रीजंस हैं फॉर द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर सक्सेसफुल, तो आपने ये बता देना है कि वो जो पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि आर्थ्रोपोड के जो एक्सोस्केलेटन के प्रोटेक्शन के और डेसिकेशन से बचाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो उसके ज्वाइंट जो है वो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इसकी लोकोमोशन को आसान करते हैं, और विंग्स जो है उसकी फ्लाइट को जो है ना सक्सेसफुल बनाते। तो ये बातें सारी हैं जो आर्थ्रोपोड को क्या कर देती है, सक्सेसफुल क्रिएचर बनाती है ऑफ लैंड एनवायरनमेंट।